तो आप लोगों को चना चाट, भेलपूरी, पकोड़े, शरबत, आई होप कि सब अच्छा लगा हो। जी जी, सब कुछ बहुत अच्छा था और आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा सुने, अपने रिश्ते की पिक्चर्स दादी को मत भेजिएगा। मैं तो बस दादी की बातों में ऐसे ही जी जी कर रही थी। डोंट वरी, मैं नहीं भेजने वाली थी। और आपकी शादी मैं करवाऊंगी। डन। क्या? हाँ। किससे? अरे शगुफ्ता का जो भाई है बिल्लू, बहुत अच्छा लड़का है और आपकी जोड़ी तो उसके साथ जचेगी भी बहुत। परफेक्ट मैच। डोंट वरी, मैं अपनी शादी खुद कर लूंगी। आपको मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब लड़का बगल में है तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत है? शगुफ्ता का भाई रिजू बहुत अच्छा लड़का है। अरे अभी तो तुमने बिल्लू कहा था। अब हाँ बिल्लू, वो मैं नाम मिक्स कर देती हूँ ना। देखो इस तरह की बातें ऐसे थोड़ी होती, ये बातें हम फिर बाद में करेंगे। ओके अभी हम चलते। ओके अल्लाह हाफिज़। बाय। अच्छा सुने जी, जल्दी वापस आ जाइएगा। बस दो दिन के लिए जा रहा हूँ, अगर आप कहें तो एक ही दिन में आ जाओ। एक तो ना आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सुने आपसे बात कर रही हूँ। I know. और इत्तेफाक से मेरा भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। कैसी बात है। Good. चलो अब इजाजत, खुदा हाफिज़। अच्छा सुने, हुकुम। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हुकुम। जहाज में जब बैठे ना, सफर की दुआ लाजमी पढ़ लीजिएगा। ओ डन, बिल्कुल पढ़ लूंगा। और जैसी सवात पहुंचे, सवात जैसे ही लाहौर पहुंचे मुझे SMS कर दीजिएगा, अपडेट रहती है ना। डन, आई विल। चले? हाँ हाँ चलो। रजिया तुम रो रही हो यार। चले? हाँ मैं I'll call you. एक बात कहूं? माइंड तो नहीं करोगे? तुम्हारी बात का माइंड करूंगा। ये लोग थोड़े अजीब नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लग रहा था तुम बहुत अजीब हो। क्या जरूरत थी वहां पे बोलने की? हमारे घर वाले हमारी शादी कराने का प्लान कर रहे थे। तो मैंने कौन सा कोई झूठ बोला है? और तुमने उन लोगों की बातें सुनी थी? कितनी अजीब बातें कर रहे थे, डायरेक्टली मेरी शादी पे आ गए। पहले वो दादी और फिर आपकी मंगेतर रजिया। That's so normal, यार। जो मैं कह रही हूँ वो भी normal ही है। लेकिन तुम्हें इतना तो सेंस होना चाहिए कि किस वक्त कहाँ पे कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी। Very nice, बहुत जबरदस्त। यानी कि आपकी मंगेतर सोचे समझे बगैर बोले वो ठीक है, लेकिन आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी वाहिद बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल सकती इस वजह से क्योंकि शायद नहीं बोल सकती। अरे यार रजिया का नेचर ऐसा है, मगर मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम ऐसे करो। I'm really sorry. मुझे रजिया से मिलने की बात करनी ही नहीं चाहिए। नाराज क्यों हो रही हो? देखो तुम गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाने पे फोकस करो। सारा हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती खराब हो, इसलिए तुम मुझसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करोगे और ड्राइव पे फोकस करोगे, और ड्राइव पे ही फोकस करोगे, बस मुझ पे नहीं। चलो इट्स ऑल गुड यार। अब यकीन आया तुम्हें मेरा कि वो लड़की बिल्कुल ही बेवकूफ है, और उससे बड़ा बेवकूफ रमीज है जो उससे शादी करने में बज़िद है। मुझे हैरत से क्या देख रही हो सारा? ये हैरत में बैठने का वक्त नहीं है, ये एक्शन लेने का वक्त है। रमीज 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया है, हमें इन 2 दिन में कुछ करना होगा। तो आप क्या करेंगी? मैं नहीं करूंगी,
जो करोगी तुम करोगी। क्या सोच रही हो बेटे? अच्छा सोचती हूँ, आप अभी चाय तो पिलाएं। ऑफ कोर्स मदनी, जल्दी से सारा के लिए चाय प्लीज। वैसे सारा आप लोगों की बहुत तारीफें कर रही थी, काफी एहतमाम किया आप लोगों ने। अरे क्या इंतजाम किया, सारा ने बताया ही नहीं, अगर एक दिन पहले बताती तो अपने हाथ के शामी कबाब खिलाती बनाकर उसे। हाँ वो सारा जिद कर रही थी रजिया से मिलने की, इसलिए रमीज ले आया। बहुत अच्छा किया, आपकी भांजी हमारी भांजी। हाँ भाई, मेरा तो बड़ा दिल था कि मैं सारा को अपनी बहू बना लूं। जी? हाँ, आपको तो पता है गैरों में रिश्ते करते हुए डर लगता है, सारा देखी भाली बच्ची है। शादी तो एक जुए की तरह है, शादी के बाद ही पता चलता है कि जीते या हारे। शादी ब्याह तो बस किस्मत का खेल है। सही बात है। हाँ और फिर रमीज और सारा की दोस्ती भी बहुत है। अच्छा अच्छा, हाँ जी सारा ने बताया था। वैसे जिस काम के लिए मैंने आपको फोन किया था वो बात तो रही गई। जी जी बोलिए। वो रजिया को कुछ शॉपिंग करवानी थी। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही थी कि सारा रजिया को लेकर चली जाए। आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर कोई बड़ा भी साथ चला जाता तो ज्यादा अच्छा था। क्या जरूरत है, बच्चियां समझदार हैं और अपनी पसंद से कर लेंगी शॉपिंग। चलें जैसा आपको बेहतर लगे, हमें तो कोई एतराज नहीं है। चलें बस ठीक है, फिर सारा रजिया को आके पिक कर। खुदा हाफिज़। अब ये मंगनी तोड़ना सारा का काम है। अच्छा लगा आपके साथ शॉपिंग करके। असल में मॉल्स में शॉपिंग करने का फायदा ये है कि वहां पे ना गर्मी नहीं होती, एसी होते हैं ना। जहाँ पर हम जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए मीना बाजार, वहाँ तो इतनी गर्मी होती है बंदा घुट घुट के मर जाए। तो वापसी में मम्मी हमें लीमू पानी, नहारी, बिरयानी खिलाने के लिए ले जाती हैं। बस वहीं से रक्षा पकड़ा और डायरेक्ट घर। मजा आया आपके साथ, हर किसी के साथ ना मजा नहीं आता शॉपिंग करने में। खाला भी यही कहती है। खाला कहती है तुम जल्दी से मेरी बहू बन जाओ, फिर सास और बहू साथ मिलकर शॉपिंग किया करेंगे। अल्लाह, अपनी खाला का कोई बेटा है? अरे मैं शर्मीन खाला की बात कर रही हूँ, रमीज की माँ। नहीं पता नहीं किसका सोच रही थी। तुम्हें एक मजे की बात बताऊँ रजिया, बचपन से ही ना मेरे और रमीज के घर वाले चाहते थे कि हम दोनों की शादी कर दें, मगर लेकिन रमीज तो अब मेरे हो गए ना बेचारे। लेकिन सुने, मैंने आपको बताया था ना शगुफ्ता का भाई बिल्लू, अरे बहुत अच्छा लड़का है, सिगरेट, छालिया, पान कुछ नहीं खाता, और उसकी बैठक भी बहुत अच्छी है, खुश रखेगा आपको। रजिया मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बताएं। मैं रमीज को पसंद करती हूँ और रमीज भी मुझे पसंद करता है, और अभी से नहीं बहुत पहले से, तो बस उसने एक मजबूरी में तुमसे मंगनी कर ली। कैसी मजबूरी? I don't wanna say this, मैं नहीं कह रही हूँ, ये रमीज कह रहा है। रमीज को लगता है कि तुम फाइनेंशली वीक हो, यतीम हो। मुझे नहीं लगता, बट रमीज को ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि तुमसे मोहब्बत की जा सके। I'm so sorry, but ये मैं नहीं कहती हूँ, ये रमीज कह रहा है, और इसका बस दिल बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। He's so kind that मजबूरी में फंस गया है और तुमसे शादी कर रहा है। बोल दें कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं रजिया, ऐसा ही है, ये सच है।